एक कैटेगरी होती है लोगों की जो सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम्स को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपने माइंड में। 99% लोग ऐसे ही हैं, सिंपल सी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं, उसको भी इतना कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है जैसे पता नहीं क्या हो गया, हवा बना दिया है पूरा का पूरा। और दूसरी कैटेगरी होती है लोगों की, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, वही होते हैं जिन्होंने एक्चुअल में काम किया होता है अपनी मेंटल मसल्स के ऊपर। वो कौन होते हैं? जो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सामने, जिसको देख करके ही बंदा कहे अरे यार तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भी सिंपल बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ और वहां पे बहुत क्लैशेस चल रहे हैं, बहुत मेजर कुछ इश्यूज हो रहे हैं। एक तो ये आपस में लड़ते मरते रहे कुत्ते बिल्ली की तरह, जैसे ज्यादातर घरों में होता है, उसका कोई सोल्यूशन निकल पाएगा कभी नहीं। तो हमें क्या करना होगा? समझना होगा इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है क्या। अज्यूम नहीं करना है पहले से कि प्रॉब्लम उसमें है या प्रॉब्लम मुझ में ही है, ये भी एक विक्टिम मेंटालिटी होती है, मेरे में ही कमी है। वो तो सब सही है बस मेरे में ही कमी है, ये भी बड़ी गंदी मेंटालिटी होती है, विक्टिम मेंटालिटी, या तो या फिर तुझ में प्रॉब्लम, मैं सही हूं तू गलत है। तो पर्सन को ना देखा जाए वो या वो, प्रॉब्लम को समझा जाए, प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या हो रही है रिलेशनशिप, वो जो क्लैश हो रही है उसकी जड़ क्या है, उसका कॉज क्या है। अगर वो हमको समझ आ जाता है बारीकी से तो क्या वो प्रॉब्लम जड़ से ठीक नहीं हो जाती? और अगर हम उसको ना समझे और ऊपर ऊपर से ठीक करने की कोशिश करें, क्या वो कभी भी ठीक हो सकती है? कोई भी मिल करके क्या उसको ठीक करवा सकता है उस प्रॉब्लम? जैसे दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, कोई तीसरा आ जाए उनके बीच में मीडिएटर बन करके, मैं सॉल्व करवा दूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम, तो कुछ देर के लिए तो वो समझौता करा सकता है, लेकिन अगर परमानेंट उसका सोल्यूशन चाहिए तो वो कैसे होगा? या तो दोनों को या दोनों में से किसी एक को बारीकी से समझना होगा ये नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है। And that could be very simple. Okay, मतलब लगता क्या है ये स्पेशली जो रिलेशनशिप्स की जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। कई बार होता है कि बहुत ही सिंपल होता है उसका सोल्यूशन। अगर मान लो मेरी किसी के साथ में रिलेशनशिप है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको बारीकी से ऑब्जर्व किया, अच्छा प्रॉब्लम हो क्यों रही है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसकी जड़ क्या है। तो जब जड़ तक गया तो मैंने देखा कि अच्छा मैं कुछ इस तरह से बोलता हूं जहां से पूरा केस शुरू होता है, अगर मैं ये ना बोलूं तो, और इसकी जगह ये बोल दूं तो, क्या खेल अलग डायरेक्शन में नहीं चला जाएगा? आप कह रहे हो दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। हाँ जी सर, ध्यान से समझना। अब ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है? ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच है जिसका कोई दुनिया में सॉल्यूशन नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि सरकार को तो अपना काम अच्छे से करना चाहिए, जो चाहिए है ना ये हमें इंडियंस की नस नस में दौड़ रहा है। सड़कों पे सबको अपनी गाड़ी ढंग से चलानी चाहिए, रेड लाइट पे सबको रुकना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यहाँ पे सफाई होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, जो कभी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन क्या है? ये होगी प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग, कि हमारी लड़ाई की जड़ क्या है, मैं तो उसको समझता हूँ वो मुझे नहीं समझता, समझ गए ना, आ गई ना प्रॉब्लम। जबकि सोल्यूशन क्या है, मुझे ही समझना है, खत्म।